की जय। श्याम सुंदर श्याम कुछ ना करता भाई मुझे। यमुना जी की जय। रन पे
वैष्णव हृदय सम्राट वैष्णव आचार्य श्री यदुनाथ जी महोदय अमदावाद कड़ी गादी ना युवा आचार्य छे। जे रीते आज थी 500 वर्ष पहला श्रीमद वल्लभाचार्य जीए श्रीमद भागवत ना माध्यम थी पूरा भारत मा एक क्रांति नो संचार कर्यो हतो, आज परंपरा मा श्री यदुनाथ जी महोदय श्रीए आज भागवत कथा ना माध्यम थी विश्व मा 30 थी वधु देशों मा प्रवास करी पोतानी वाणी द्वारा सुई गयेली धार्मिकता ने जागृत करी। आप श्री पुष्टि मार्ग मा एकमात्र एवा आचार्य छो कि जेमणे भागवत उपरांत बीजा 40 थी वधु विषयों उपर 327 कथाओ करी छे। पूरा विश्वना वैष्णवों ने जोड़वा आपे पुष्टि परिवार नी स्थापना करी छे, जे यूएसए यूके यूरोप दुबई मस्कत ईस्ट आफ्रिका साउथ आफ्रिका वगैरे अनेक देशों मा कार्यरत छे, जेना माध्यम थी बाल संस्कार केंद्र यूथ विंग सत्संग जॉय ऑफ गिविंग वर्क फॉर कॉज जेवी विविध प्रवृत्तियों चाले छे। थोड़ा वर्ष पहला आप श्रीए पूरा विश्वना वैष्णवों ने भेगा करवा इटली थी ग्रीस सुधीनी एक चार्टर्ड क्रूज मा विश्व वैष्णव सम्मेलन नु आयोजन कर्यु हतुं, जेमा 15 थी वधु देशों माथी वैष्णवोए 7 दिवस सुधी दिव्य प्रवचन गोकुल से गीता तक नो लाभ लीधो हतो। आ उत्सव एक अनूठो प्रसंग होवाने कारणे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा एक साथे 2 अवार्ड्स आप श्री ने प्राप्त थाया। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभुजी ना मूल 84 बैठक जी माथी अप्रकट एवा 46 मा पंपा सरोवर एवं 49 मा विजयनगर हम्पी ना बैठक जी नु प्रगटीकरण 500 वर्ष पछी पूज्य श्री द्वारा ज थई रह्युं छे, जे कार्य पुष्टि मार्ग ना इतिहास मा सोनेरी अक्षर मा लखाशे। आप श्रीनी आज अनूठी प्रतिभा ने कारणे दिल्ली स्थित खूब जूनी एवं प्रतिष्ठित संस्था रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल द्वारा आप श्री ने वसुंधरा रत्न अवार्ड अर्पण करायो छे। आप जीवा अमने गुरु मळ्या जेथी अमे श्री वल्लभाधीश की जय। वैष्णव हृदय सम्राट वैष्णवाचार्य 108 श्री यदुनाथ जी महोदय श्री के मुखारविंद से पंच दिवसीय श्री गोपाल दास जी रचित पुष्टि मार्ग के अनमोल ग्रंथ श्री वल्लभाख्यान सार सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह आयोजन में दिल्ली स्थित इस आयोजन के मुख्य 2 मनोरथी परिवार परम भगवती विजय भाई अरोरा से नीलिमा बेन अरोरा मोहित भाई अरोरा से रितिका बेन अरोरा से मनीष भाई अरोरा से शिखा बेन अरोरा कृष्ण कुमार जी किरण कुमार जी प्रेरणा निखिल कुशल सभी को भावात्मन पूजन के लिए अनुरोध है, तो पूजन के लिए आए। सौंदर्यम निजरदगतम प्रगटितम स्त्री गुड भावात्माकम् पुमरूपं च पुनस्तदंतरगतम प्राविविशत्स्व प्रिये संश्लिष्टा उबर्बो बर्भो रसमयः कृष्णो यक्षाक्षिकम् रूपं तत्रितयात्मकं परमभि ध्येयं सदा वल्लभम् सायं कुञ्जालयस्तासनमुपविलस्वत्स्वर्ण पात्रं सुधोतम् राजद्यग्नोपवितनुपरितनुवसनं गोरम् अम्भोजवक्त्रम् प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजवद्विमुक्तम्
वन्देर्धोन्मिलिताक्षकं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं आनन्दाय नमः परमानन्दाय नमः श्रीकृष्णाश्याय नमः श्री विठ्ठलाय नमः कृपासिन्धवे नमः भक्तवश्याय नमः पतये नमः। परम पूज्य बाद 108 यदुनाथ जी महोदय श्री को श्री वल्लभाख्यान रसपान के लिए विनंती करता हूँ। आपकी सुमधुर वाणी से हम सब वैष्णवजन को लाभान्वित करे यह विनंती। श्री वल्लभाधीश की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णा याद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योयता। प्रभुर नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय।
श्रीवल्लभीश की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री अमुने महारानी जी की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। अपने सत्र की शुरुआत करने से पहले एक मिनट के लिए श्री वल्लभ का स्मरण करेंगे और फिर अपने विषय में प्रवेश करेंगे सभी भाव से और प्रेम से। धुन लागी रे वल्लभ वालानी, धुन लागी रे, धुन लागी रे वल्लभ वालानी, धुन लागी रे, ओ धुन लागी रे वल्लभ वालानी, धुन लागी रे, धुन लागी रे वल्लभ वालानी, धुन लागी रे, ओ धुन लागी रे, धुन लागी रे, धुन लागी रे, धुन लागी रे, ओ धुन लागी
जागत श्री वल्लभ सुवत श्री वल्लभ जागत श्री वल्लभ सुवत श्री वल्लभ धुन लागी रे जय हो वल्लभ वाला ने धुन लागी रे ओ धुन लागी रे वल्लभ वाला ने धुन खावत श्री वल्लभ पीवत श्री वल्लभ 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 धुन लागे रे जय हो वल्लभ वल्लभाधीश की जय। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। आज से वल्लभाख्यान रसपान का प्रारंभ करेंगे और इस उत्सव में जो निमित्त बने हैं ऐसे दिल्ली स्थित हमारे बहुत आत्मीय और निकट के ऐसे दोनों परिवार, प्रथम परिवार है विजय अरोड़ा जी, नीलम जी, मोहित जी, रितिका, मनीष जी, शिखा जी, समस्त अरोड़ा परिवार, एवं दूसरे ही हमारे ऐसे ही आत्मीय कृष्ण कुमार जी, किरण जी, प्रेरणा, निखिल जी, कुशल, समस्त कुमार परिवार, एवं इस विज्ञान के माध्यम से अपने घर बैठे बैठे इस वल्लभाख्यान का आनंद लेने आए मेरे सभी आत्मीयजनों, देखो तो सही श्री वल्लभ की और विठ्ठल की कृपा का अनुभव इन 5 दिनों में हमको करना है। और दिन भी कौन सा, आज शरद पूर्णिमा, श्री गोसाई जी की ही वाणी है, और विठ्ठल नाथ चंद उगयो जग में भक्ति चांदनी छाए रही, और उसी श्री गोसाई जी के वाणी का अवगाहन इन दिनों में हमको करना है। और देखो मैं कई बार अपने प्रवचनों के अंदर कहता रहता हूं कि हरेक वैष्णव के जीवन में 3 ऋतुओं का अनुभव प्राय होता है। 3 ऋतुएं हर एक वैष्णव को प्राय अनुभव होती है। एक तो है पतझड़, दूसरी है वर्षा और तीसरी है वसंत। ये 3 ऋतुओं का अनुभव कैसे हो और हम कौन सी ऋतु में रह रहे हैं पता कैसे चले। देखो जब ग्रीष्म ऋतु आती है तब क्या होता है, वृक्षों के पत्ते सूख जाते हैं, फल नहीं उगते, फूल नहीं उगते, वृक्ष भी जलने से लगते हैं, तब मानो ग्रीष्म ऋतु चल रही है।
वर्षा ऋतु आती है तब उन्हीं वृक्षों में से हरी हरी पत्तियां उगनी शुरू हो जाती हैं। जो वृक्ष बिल्कुल सूख चुका था उसके अंदर से हरी हरी पत्तियों का उगना नई संभावनाओं का जगना है। और कहते हैं जब वसंत ऋतु आती है तो उन्हीं वृक्षों में फूल उगे फल उगे तब मानो वसंत आ गई है। तो देखो अपन को कैसे पता चले कि हम कौन सी ऋतु में रह रहे हैं। चाहे शरद ऋतु चल रही है पर ऋतु कौन सी अपने ऊपर असर कर रही है। यदि सत्संग से विमुख हो गए हो, सेवा से विमुख हो गए हो, वैष्णव का संग मिल नहीं रहा, भगवत सेवा हाथों से हो नहीं रही, तो मानो अभी जीवन में ये पतझड़ चल रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है। और यदि ग्रीष्म ऋतु चल रही है, सेवा करने का विचार करें हो नहीं पावे, सत्संग करने की इच्छा हो नहीं पावे, कुछ वांचन करने का पाठ करने का विचार करें हो नहीं पावे, तो कारण यही है कि जीवन में अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है। लेकिन जब जीवन में अचानक टीवी ऑन किया और सत्संग का अनुभव होने लगे, सत्संग मिलने लगे और अचानक सत्संग सुनने का मन हो, तब मानो अभी तक जो ग्रीष्म ऋतु चल रही थी पर अनायास जीवन में अब वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। और वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है क्योंकि बारिश होती है तो सूखे वृक्षों के ऊपर भी हरी हरी कूपन जग जाती है, हरी हरी कूपने पत्तियां खिल जाती हैं, तब मानो वर्षा ऋतु है। और वास्तव में हरी हरी पत्तियां तो खिली पर वृक्षों का साफल्य तब होता है जब उसमें फूल उगे फल उगे। और जब श्रवण करते करते हमको ऐसा लगे कि श्री वल्लभ श्री गोसाई जी हमारे श्री ठाकुर जी उनकी सेवा में हाथ अब पवित्र करना है, तब मानो अपने जीवन में अब वसंत ऋतु आई क्योंकि भगवत सेवा के पुष्प खिले। और वास्तव में ये तो शरद है और शरद तो फल देने वाली ऋतु है और फल देने वाली ऋतु है। और इसीलिए इस समय में आज से ही अपन वल्लभाख्यान का दर्शन करना प्रारंभ करेंगे क्योंकि वल्लभाख्यान ऐसा अद्भुत ग्रंथ, ऐसा अद्भुत ग्रंथ, और ये एकमात्र ऐसा गुजराती ग्रंथ है कि जिसने गुजराती भाषा को इतना गौरव दिलाया। बोले कैसे, जितने भी ग्रंथ अधिकतर संस्कृत में हो उनका गुजराती या हिंदी में अनुवाद हो, पर ये एकमात्र ऐसा गुजराती का ग्रंथ कि जिसका संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में जिसके ऊपर टीका लिखी गई है, संस्कृत में टीका जिसके ऊपर लिखी गई है, वो गौरव ये वल्लभाख्यान जैसे ग्रंथ को प्राप्त हुआ है। और देखो तो सही ये ग्रंथ भी क्या है, इस ग्रंथ का दर्शन अपन करें। अपन सब जानते हैं कि इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, गोपाल दास जी। और श्री गोसाई जी प्रभुचरण ने ये ग्रंथ कहते ने जिसके ऊपर कृपा वर्षा के जिसके हृदय में स्थापित किया वो कहां के, कहते हैं गोसाई जी प्रभुचरण गुजरात की भूमि में 6-6 बार पधारे, लेकिन एक बार जब आपका मुकाम असारवा भाईला कोठारी के घर पे था, और भाईला कोठारी के घर पे आपका मुकाम था और उस समय दूर दूर से सभी वैष्णव श्री गोसाई जी के दर्शन करने के लिए आए थे, और जहां अनेक वैष्णव आपके सामने विराजमान हैं, भाईला कोठारी भी संग में हैं, और श्री गोसाई जी अलग अलग वैष्णव आवे, किसी को हाथ में पान का बीड़ा देवे, किसी को उपरना उड़ावे, लेकिन आपकी दृष्टि सहज रूप से सामने गई और क्या देखा, दरवाजे की आड़ में एक छोटा सा बालक खड़ा है और बालक खड़े खड़े श्री गोसाई जी को देखे जा रहा है, श्री गोसाई जी की और ही दृष्टि है। और कोई अपने ऊपर ही दृष्टि करके खड़ा हो तो सहज रूप से किसी से बातें करते करते भी अपना ध्यान वहां जाता है, और श्री गोसाई जी किसी के प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन बार बार आपकी दृष्टि सामने खड़े हुए बालक के ऊपर जा रही है। और जैसे ही बालक के ऊपर दृष्टि जा रही है और वो बालक और कोई नहीं पर गोपाल दास जी हैं। देखो आगे जब श्री गोसाई जी कृपा करेंगे तब करेंगे, पर मुझे तो लगता है कि जब श्री गोसाई जी की दृष्टि पड़ी और जहां दृष्टि अटकी आपकी कृपा तो उसी क्षण हो गई थी। जब आपकी दृष्टि पड़ी है गोपाल दास जी के ऊपर और दृष्टि पड़ के अटकी है, कृपा तो वहीं हो गई। और जहां बहुत देर तक श्री गोपाल दास जी ऐसे ही देखते रहे, श्री गोसाई जी ने भाईला कोठारी जी को बुलाया और कहा
अरे कोठारी जी, वो बालक को बुला, वो बालक कौन है? और जैसे ही छोटे से 9 वर्ष के बालक हैं उनको बुलाया गया, और गोसाई जी ने कहा, कोठारी जी ये बालक कौन है? और वो बालक और कोई नहीं, भाईला कोठारी जी के ही जमाई हैं, गोपाल दास जी। इसलिए कहा, कृपानाथ ये तो गोमती का वर है, उनकी पुत्री का नाम गोमती था, और गोमती था और ये उन्हीं के बाल विवाह उस समय होते थे, कहा ये तो गोमती का वर है। तब श्री गोसाई जी ने कही, अरे गोमती का वर तो सागर होता है, गोमती यानी नदी, और नदी का वर तो सागर, सागर यानी गर्जना करता हो, लेकिन ये चुप क्यों लग रहे हैं? और ये सुनते ही भाईला कोठारी की दृष्टि नीचे हुई, श्री गोसाई जी के चरणों पर दृष्टि रख के कही, कृपानाथ आपके मुख से ये वाणी निकली है, आपके मुख से ये वचन निकले हैं कि गोमती का वर तो सागर होता है, गोमती यानी सरिता, और उसका वर तो सागर की तरह गर्जना करता होता है, पर कृपानाथ अभी तो ये जन्म से गूंगे हैं, और जन्म से गूंगे हैं, पर आपके मुख से ये वाणी निकली है कि गोमती का वर तो सागर जैसा होता है, तो आपकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। और ऐसी दृढ़ता गुरु के वचन पे जब श्री गोसाई जी ने देखी, जैसी दृढ़ता श्री गोसाई जी ने अपने शिष्य के वचन में देखी, और उन्होंने गोपाल दास जी को पास बुलाया, और गोपाल दास जी को अपने गोद में बैठा के, ये 9 वर्ष के गोपाल दास जी को अपने मुख का चर्बी तांबुल निकाल के जब गोपाल दास जी के मुख में पधराया, तो जन्म से गूंगे ऐसे गोपाल दास जी को ऐसी वाणी स्फुरित हुई कि वेद वेदांतों का सार और पुष्टि मारक का निचोड़ ऐसे वल्भाख्यान ग्रंथ उन्होंने गाना प्रारंभ किया। विचार करो, 9 वर्ष के बालक पर कहते हैं ये गोपाल दास जी हैं कौन, ये जन्म से गुंगे क्यों थे? और यदि उनका परिचय अपन प्राप्त करें तो एक टीकाकार ये परिचय देते हुए कह रहे हैं कि गोपाल दास जी और कोई नहीं, पर भागवत में कथा आती है राजा मुचकुंद की। जब भगवान के पीछे कालयवन दौड़ा और भगवान भागते भागते राजा मुचकुंद की गुफा में गए, कालयवन जल गया, और राजा मुचकुंद ने प्रभु से विनती करी कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मुझे भक्ति मिले। और तब प्रभु ने ये वरदान दिया कि इस जन्म में तो नहीं, पर आने वाले जन्म में तुम किसी ब्राह्मण के घर में जन्मोगे और तब तुम्हें भक्ति फलित होगी। और कहते हैं वही राजा मुचकुंद दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता के रूप से प्रगटे, और प्रभु ने कृपा करी, राज के दर्शन भी हुए, राग केदार भी उनको दिया, पर हुआ क्या कि जब केदार राग भी उनको दिया, पर नरसिंह मेहता ने जाने अनजाने में उनको लगा कि मैंने प्रभु को श्रम दे दिया, मुझे तो प्रभु की सेवा करनी चाहिए, पर मैंने कह दिया मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे शामला गिरधारी, और मेरा कार्य साधने के लिए प्रभु को आना पड़ा, मेरे कार्य प्रभु को श्रम लेके सिद्ध करने पड़े, और जाने अनजाने में वाणी से अपराध हुआ, इसलिए अब मैं बोलूंगा ही नहीं। यूं विचार करके उनका अगला जन्म जो हुआ वही अपने वहां कहते हैं ये गोपाल दास जी। नरसिंह मेहता का ही दूसरा प्रागट्य यानी गोपाल दास जी, और इसलिए जन्म से मूंगे रहे, जन्म से गूंगे रहे। और कहते हैं दूसरे टीका का काका वल्लभ जी, काका वल्लभ जी ये कहते हैं कि ये गोपाल दास जी कौन है, तो कहते हैं कि जब विदुर जी का संवाद हुआ उद्धव जी के संग, और विदुर जी ने जब ये संवाद सुना उद्धव जी के माध्यम से, गोपियों की कथाओं को सुना, प्रभु की लीलाओं को सुना, वो वजलीला को अपने हृदय में स्थापित किया, और कहते हैं वही विदुर जी का दूसरा जन्म हुआ नरसिंह मेहता, और नरसिंह मेहता का दूसरा जन्म हुआ हमारे गोपाल दास जी। अब देखो ये गोपाल दास जी ने 9 आख्यान गाए जो जन्म से मूंगे हैं, जन्म से जिनको वाणी नहीं मिली, पर श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा हुई, अपना चर्बी तांबुल मुख में पधराया, और पूरे पुष्टि मार्ग का सार, वेद वेदांतों का सार ऐसे वल्भाख्यान गाने की शुरुआत आपने करी। और देखो ये वल्भाख्यान की भी विशेषता है, बोले विशेषता क्या है, तो कहते हैं ये वल्भाख्यान जो अपन सब गाएंगे, और मैं तो चाहूंगा जब यहां से गाया जाए आपके पास पुस्तक हो न हो तो कहीं से प्राप्त कर लो, और संग संग गान भी करना। बोले क्यों, क्योंकि ये वल्भाख्यान जब अपन गाते हैं ना
तो अपने आचार्यों का ऐसा मंतव्य है कि ये वल्लभाख्यान के अंदर साक्षात गोपाल दास जी की वाणी तो है और संग संग साक्षात श्री गुसाई जी की वाणी भी है, और इतना ही नहीं इसमें साक्षात श्रीनाथ जी की वाणी भी है। ये वल्लभाख्यान ग्रंथ के अंदर ये तीनों की वाणी है। कहते ना भक्त यानी वैष्णव की, भगवदी की, गुरु की और प्रभु की, ये तीनों की वाणी इसमें है। अपन को पता कैसे चले कि गोपाल दास जी की वाणी कौन सी, श्री गुसाई जी की वाणी कौन सी और स्वयं श्रीनाथ जी की वाणी कौन सी? तो अपने आचार्यों ने कहा जहां जहां गुजराती की वाणी आवे ना तो समझना ये गोपाल दास जी की वाणी। कई शब्द इसमें संस्कृत के आते हैं और जो शब्द संस्कृत का आवे समझ लो साक्षात गुसाई जी की वाणी, और कई शब्द इसमें व्रजभाषा के आते हैं और जो व्रजभाषा के शब्द आवे मान लो ये साक्षात श्रीनाथ जी बाबा की वाणी। तो ये वल्लभाख्यान ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवदियों की कृपा, जिसमें गुरु की कृपा और जिसमें अपने श्री जी की कृपा, ये तीनों की कृपा भरी हुई है। और ये तीनों कृपा का जब आस्वादन अपन करें, इसलिए तो कहते हैं ना ये श्री गुसाई जी की वाणी है, इसका प्रमाण भी क्या, जैसे भागवत अपने वहां कहते हैं ना कि सुखदेव जी तो निमित्त बने पर उनके हृदय में विराजमान होके स्वयं प्रभु ने ही भागवत गाया है। और अपने वहां कहते हैं जो अपना बहुत प्रिय हो ना उसका नाम नहीं लेते, इसलिए भागवत में स्पष्ट रूप से राधा जी के नाम का उल्लेख नहीं है। वैसे ही ये जो नौवां आख्यान आएगा उसमें श्री गुसाई जी के सातों लाल जी, सातों बहुजियां, श्री महाप्रभु जी का पूरे परिवार का वर्णन है लेकिन उसमें नाम नहीं है, तो मात्र श्री गुसाई जी के बहुजी का नाम नहीं है, ताकि पता चले गोपाल दास जी तो निमित्त बने हैं, उनके हृदय में विराजमान होके स्वयं श्री गुसाई जी ने ही ये आख्यान गाए हैं। और ये नौ आख्यान, और केदार राग गाया था उससे श्रम हुआ था, और इसलिए यहाँ गोपाल दास जी भी प्रारंभ करते हैं तो केदार से ही प्रारंभ करते हैं। और कहते हैं नौ आख्यान क्यों हैं, तो कहा कि नौ आंख पूर्ण भी है। नौ आख्यान क्यों हैं, तो कहा महाप्रभु जी, गुसाई जी और सात लाल जी मिलके हुए नौ। नौ आख्यान क्यों हैं, क्योंकि नंद महोत्सव भी नौम। और कहते नौ आख्यान कौन क्यों, श्री गुसाई जी का प्रागट्य भी नौम को हुआ। कहते नौ आख्यान ही क्यों, क्योंकि नवधा भक्ति है, तो एक एक आख्यान में एक एक भक्ति का वर्णन करने में आया है और इसीलिए ये नौ आख्यान है। और देखो तो सही ये पांच दिन तक श्री वल्लभ श्री विठल और उनका वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन करेंगे। देखो ये समय के अंदर गीता जी के ऊपर भी सत्संग हुआ, भागवत जी के प्रसंगों पे भी सत्संग हुआ, अलग अलग प्रसंग श्रीनाथ जी का भी चर्चा हुआ, पर मुझे लगता है ये सब करने के बाद ये कृपा हुई कि अब अपन मिलके श्री वल्लभ और श्री विठल का गुणगान गा सके, ये तो फल है। और जब आपकी ही लीला का वर्णन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, श्री गोसाई जी प्रभु चरण विराज रहे हैं, और मैं तो हमेशा कहता हूं ऐसे ही लगे कि आपकी गोद में बैठ के ये प्रसंग का वर्णन करना है। और कई बार मैं कहता हूं ना कि ऐसे ही लगता है कि जैसे छोटा सा बालक कहीं स्कूल से आया हो और उसके दादाजी उसे बुलावे और अपनी गोद में बैठा के कहे चा बेटा आज क्या पढ़ के आया मुझे सुना, और वो बच्चा अपनी तोतली भाषा में जब बोलता है और उसके दादाजी सुन के प्रसन्न होते हैं, आज ऐसी ही अनुभूति श्री गुसाई जी की गोद में बैठ के मुझे हो रही है। तो जैसे ही कृपा गोपाल दास जी के ऊपर हुई और उन्होंने ये वल्लभाख्यान गाना प्रारंभ किया, तो प्रथम आख्यान का गान अपन सब मिलके करेंगे कि जैसे ही वाणी स्फुरित हुई है श्री गुसाई जी की तरफ दृष्टि करके मस्तक झुका के वो छोटे से नौ वर्ष के गोपाल दास जी गा रहे हैं और कह रहे हैं वंदो श्री विठल वर सुंदर नव प्रगट्या परम
गोपालदास जी ने जैसे ही ये वल्लभाख्यान का गान प्रारंभ किया, हाथ जुड़े हुए हैं, दृष्टि श्री गोसाई जी के मुखारविंद पे है और प्रारंभ किया, वंदु श्री वीठल वर सुंदर नव घनश्याम तमाल, जगती तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। जब प्रारंभ किया तो वंदन करके प्रारंभ किया, और कहते हैं ना, शरीर तो झुकता है, हाथ तो झुक जाते हैं, मस्तक तो झुक जाता है, लेकिन जब तक अंतकरण झुका नहीं है वंदन नहीं होते। और कहते हैं अंतकरण कब झुकता है कि जब उनकी समर्थता और अपनी असमर्थता का ज्ञान होता है तब अंतकरण झुकता है। जब तक ये अपन को लगता हो कि नहीं मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, तब तक शरीर तो हम झुका देते हैं पर ये अहम झुकता नहीं है। लेकिन जब पता चले कि प्रभु मेरा कोई समर्थ है ही नहीं, जो भी कुछ है प्रभु मात्र आपकी कृपा है, और जब प्रभु के पूर्ण सामर्थ का अनुभव अपन को होता है तब ये अंतकरण ये रोम रोम झुकता है, और जब रोम रोम झुके तब निकले वंदु श्री विठल वर सुंदर। और वास्तव में वंदन के अलावा अपन प्रभु को कुछ दे भी नहीं सकते, ना ही अपन कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भक्त के पास वंदन के अलावा कुछ करने को है ही नहीं। लेकिन जब अपनी सामर्थ्यता का ज्ञान चला जाए और उनके सामर्थ्य का परिचय हो तब वास्तव में वंदन होता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जब भी अपन वंदन करते हैं, जब भी अपन प्रणाम करते हैं, जब भी हम नमन करते हैं, तो हमारे किए हुए वंदन प्रणाम नमन अधूरे रह जाते हैं, वो पूरे नहीं होते। अपन को लगे पूरे क्यों नहीं होते, बोले वंदन भी करते हैं ना तो कोई वस्तु यहां से भेजी तो सामने से एक्सेप्ट हो तब वो पूर्ण होती है। प्रणाम भी जब अपन करते हैं तो प्रणाम तो कर दिए, वहां पहुंचे तब पूरे होते हैं। तो कहते हैं हमारे किए हुए वंदन प्रणाम नमन अधूरे क्यों रह जाते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रभु को प्रणाम करते हैं तो पीछे प्रभु अपन को पूछते हैं कि प्रणाम तो कर रहा है पर मेरे प्रति प्रमाणिक रहेगा। जब अपन प्रभु को कहते हैं नमन, जब नमन करते हैं तो प्रभु कहते हैं नमन तो कर रहा है पर नमक हलाली रखेगा, और जब अपन प्रभु से कहते हैं कि वंदन तो प्रभु कहते हैं वंदन तो कर रहा है लेकिन वफादार रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम वंदन करते हैं पर प्रभु के प्रति वफादार नहीं, नमन करते हैं पर नमक हलाली नहीं, और प्रणाम करते हैं पर प्रमाणिक नहीं रहते। तो हमारे किए हुए वंदन प्रणाम और नमन अधूरे रह जाते हैं। इसलिए गोपाल दास जी कहते हैं कि वंदु श्री विठल वर सुंदर नव घन श्याम तमाल। हे प्रभु, मैं आपको वंदन कर रहा हूं, और कैसे प्रभु को, वंदु श्री विठल वर सुंदर, विठल वर यानी जो ज्ञान शून्य है उनके उद्धार के लिए जो आए हैं ऐसे श्री विठल वर। और देखो यहां वर शब्द का उपयोग टीकाकारों ने दोनों जगह किया है, विठल वर और सुंदर वर, दोनों के संग ये वर शब्द को लगाया है। और कहते हैं कि श्री गोसाई जी यानी कौन, कहते ना कि जब श्री महाप्रभु जी ने आसुर विहामोलीला करी और हर तीसरे दिन दमला जी को दर्शन देते, और तब दमला जी से पूछी वल्लभ ने, बता दमला तू श्री गोसाई जी को क्या करके जाने, तुम श्री गोसाई जी को क्या करके जानते हो। तब दमला जी ने कही आपके पुत्र, तब श्री महाप्रभु जी ने कही मेरे पुत्र रूप से नहीं, ये मैं ही हूं, ऐसे मान के उनको जानना, उनका चरणोदक लेना। और तब से दमला जी उनका चरणोदक लेने लगे, और महाप्रभु जी ने स्वयं कहा कि उनमें और मेरे में कोई भेद नहीं है। और कहते हैं ना कि इसलिए तो श्री महागोपाल दास जी भी श्री गोसाई जी को वंदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कैसे हो, बोले विठलवर और दूसरा कहा सुंदरवर, दोनों शब्दों के संग वर शब्द लगाया। और वर यानी श्रेष्ठ भी होता है, वर यानी क्या, जो वरण करे उसको कहते हैं वर, वर यानी क्या,
जो आश्रय दे उसको कहते हैं वर। वर यानी क्या? जो रक्षण दे उसको कहते हैं वर। वर यानी क्या? जो पोषण दे उसको कहते हैं वर। और वर यानी क्या? कि जैसे हैं अपन वैसे ही अपन को निभावे उसको कहते हैं वर। तो श्री वल्लभ श्री गोसाई जी कैसे हैं? बोले हमें आश्रय भी अपने चरणों में देते हैं, हमारा जीवों का वरण भी करते हैं, कहते हैं रक्षण भी देते हैं, पोषण भी देते हैं, और जीव जैसा है शरण में जावे तो जैसा है वैसा उन्हें निभाते भी हैं। इसलिए कह दिया कि वंदु श्री विठल वर सुंदर नव घन श्याम तमाल। और प्रभु आप ऐसे सुंदर वर भी हो। और कैसे हैं प्रभु? तो कहा नव घन श्याम तमाल, कि जैसे सुंदर जल से भरा हुआ मेघ आया हो वैसे आपका वर्णन लग रहा है। अपन को लगे कि रघुनाथ जी ने जब श्री गोसाई जी का वर्णन किया तो क्या कहा? गौरमम भोज वक्त्रम, आपके गौर स्वरूप का वर्णन किया कि गोसाई जी कैसे हैं? बोले गौर स्वरूप। और यहां गोपाल दास जी वर्णन कर रहे हैं तो कैसा? नव घन श्याम तमाल। अपन को लगे जब रघुनाथ जी ने दर्शन किया तो आप तो गौर स्वरूप का गोसाई जी का वर्णन कर रहे हैं, और यहां गोपाल दास जी वर्णन कर रहे हैं तो श्याम तमाल, शाम वर्णन करें। ये कैसे कि एक को अनुभूति आपके गौर स्वरूप की हो और एक को आपके शाम स्वरूप की हो। तो कहते हैं श्री गोसाई जी कैसे हैं? बोले जल से भरे हुए मेघ। अब देखो जब मेघ बरसने के लिए आता है तब कैसे लगता है? बोले शाम। और एक बार बरस जावे तब कैसे लगता है? बोले गौर। तो कहते हैं कि रघुनाथ जी ने दर्शन किए गौर स्वरूप के और गोपाल दास जी ने दर्शन किए श्याम स्वरूप के। उसका कारण ये कि जब गोपाल दास जी के मन में गोसाई जी के दर्शन का ताप जगा और जैसे भूमि तपती है और प्रतीक्षा करती है कि कब आकाश में मेघ आवे और आके हमें बरसे, आके कब हमें भिगो देवे, आके कब हमें कृत्य कृत्य कर देवे। और जैसे वो भूमि मेघ के लिए तरसती है, वो तपी हुई भूमि मेघ के लिए तरसे, वैसे गोपाल दास जी श्री गोसाई जी के लिए तरस रहे थे। और इसलिए श्री गोसाई जी के दर्शन जल से भरे हुए मेघ की तरह हुए। और जल से भरे हुए मेघ की तरह दर्शन हो तो भूमि कैसी प्रसन्न हो जाए कि आज अब मुझे भिगोने का समय आ गया है। और जैसे ही ये शाम तमाल रूप श्याम जल से भरे हुए मेघ रूप गोसाई जी के दर्शन करे और गोपाल दास जी को पता चल गया कि आज श्री गोसाई जी अपनी कृपा वृष्टि में मुझे भिगो देंगे, अंतर भी भिगेगा बाहर भी भिगूंगा। और देखो तो सही, जैसे एक चातक मेघ को देख के तरसे और वैसे श्री गोसाई जी के लिए ताप गोपाल दास जी को है। और इसलिए जल से भरे हुए मेघ यानी श्याम स्वरूप के दर्शन हुए। और रघुनाथ जी के ऊपर तो श्री गोसाई जी ने वृष्टि कर दी है और वृष्टि करके पधार रहे हैं, तब आप कैसे लगे? गौर स्वरूप, क्योंकि आप पे बरस चुके हैं। ये घटा कहां बरसेगी? कहां? रघुनाथ जी में। और वो घटा बरस चुकी है इसलिए गौर स्वरूप आपका स्वरूप धारण करके लगा। और कहते हैं श्री गोसाई जी तो बरसने वाले मेघ हैं, लेकिन गोपाल दास जी कहते हैं देखो ये मेघ तो जब समय आवे तब बरसे और कहीं बरसे कहीं ना भी बरसे, लेकिन मेरे श्री गोसाई जी प्रभु चरण जल से भरे हुए ऐसे मेघ हैं कि जिनका बरसना अमाप है, असीम है और अकारण है। श्री गोसाई जी कैसे मेघ हैं कि जिनका बरसना असीम, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई भी रेखा नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। कहते हैं आपका बरसना भी असीम, आपका बरसना भी अमाप। अमाप यानी जब आप बरसते हैं तो सामने वाले का अधिकार देख के जितना अधिकार हो उतना ही नहीं देते, आपका बरसना भी अमाप होता है। आपका बरसना असीम, आपका बरसना अमाप और आपका बरसना अकारण है। आपके बरसने का कोई कारण नहीं। बोले क्या करें तो श्री गोसाई जी कृपा करेंगे। श्री गोसाई जी का बरसना किसी कारणों के मोहताज नहीं है, कृपा करना तो आपका स्वरूप है। और ऐसे श्री गोसाई जी के चरणों में गोपाल दास जी वंदन कर रहे हैं, इसलिए कहा वंदु श्री विठलवर। बोले क्यों? क्योंकि जब गुरु के चरणों में वंदन होता है, प्रभु के चरणों में वंदन होता है, तब ये मस्तक धारण करने का
फल अपन को मिला ऐसे। मैं कई बार अपने प्रवचनों में एक दृष्टांत देता रहता था कि जब वो सम्राट अशोक अपने मंत्री के संग चलते चलते कहीं जा रहे थे और सामने देखा कोई फटेहाल वैरागी जा रहा था, कोई फटेहाल कोई साधु के कोई वैरागी था जा रहा था, और जैसे ही उसको देखा सम्राट अशोक ने मस्तक झुकाया, हाथ से प्रणाम किया। संग चल रहे मंत्री को ये बात ठीक नहीं लगी, सोचने लगे अरे कहां इतने बड़े सम्राट आप और कहां वो फटेहाल वैरागी, ना कोई जान ना कोई पहचान, और आपने सभी के सामने मस्तक झुका के प्रणाम किया, ये बात समझ में नहीं आई। सम्राट ने कहा समझ में नहीं आई तो ऐसे कर कल आके मुझे मिलना मेरे महल में। बोले ठीक है। और कल जब मंत्री गए तो सम्राट अशोक ने क्या किया, एक झोला दिया और कहा इस झोले के अंदर जितने भी पशु हैं उनके कोई ना कोई मस्तक रखे हुए हैं मैंने, और मनुष्य का भी मस्तक है, ऐसे कर बाजार में जा इसको बेच के आ जा और फिर शाम को तुझे उत्तर मिल जाएगा। बोले ठीक है। जितने आपने वहां पड़े थे वो सारे रख दिए मैंने, बेच के आ जा। उसे लगा कि शेर का मस्तक भी है, हाथी का भी है, रीछ का भी है, घोड़े का भी है और मनुष्य का भी है, तो कहे कि सबकी कीमत तो अलग अलग होनी चाहिए, तो इसमें कीमत सबसे ज्यादा किसकी रखूं। बोले मनुष्य के ही मस्तक की होनी चाहिए। बोले क्यों, क्योंकि उसके अंदर तो बुद्धि है, वो चाहे तो सबको कंट्रोल कर सकता है, तो सबसे ज्यादा कीमत उसने मनुष्य के मस्तक की रखी। अब पूरा दिन घूमे तो हाथी का मस्तक लेने वाला मिला, शेर का मस्तक लेने वाला मिला, रीच का मस्तक लेने वाला मिला, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी की कोई कीमत देने वाला मिला नहीं। अब शाम होने को थी, उसने कहा कि शायद मैंने प्राइस ज्यादा रख दिए हैं, तो उसने ऑफर लगाई कि बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री, फिर भी कोई लेने के लिए नहीं आया। उसने और 70% डिस्काउंट का बोर्ड लगा के घूमने लगा, लेकिन कोई लेने के लिए नहीं आया। पूरा दिन घूम के जब राजा के पास गया, राजा ने कहा सब बेचा है? बोले हाँ। क्या देखा? बोले यही कि सभी पशुओं के मस्तक का मोल देने वाले लोग मिले, पर ये मनुष्य की खोपड़ी की कीमत देने वाला कोई नहीं मिला। ये बात समझ में नहीं आई। मैं तो जानता था कि मनुष्य की कीमत, उसके मस्तक की कीमत सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हरेक की कीमत देने वाले मिले, मनुष्य के मस्तक की कीमत देने वाला कोई क्यों नहीं मिला। और तब अशोक ने कहा कि देखो इस दुनिया में मनुष्य के इस मस्तक की कोई कीमत नहीं है, ये मस्तक कीमती तब बनता है कि जब प्रभु के या गुरुजनों के चरणों में झुकता है, तब इसकी कीमत ही तब होती है, अन्यथा इसका कोई मोल नहीं, कोई लेने को तैयार नहीं। इसलिए तो यहां वंदु श्री विठल वर सुंदर, ये मस्तक अनमोल तब हो जाता है, ये बुद्धि अनमोल तब हो जाती है जब प्रभु या गुरु के चरणों में झुकता है। और इसलिए यहां कह दिया कि वंदु श्री विठल वर सुंदर नव घन श्याम तमाल जगती तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। और कहा कि आप तो उस श्याम तमाल वृक्ष की तरह हो। बोले क्यों? जैसे तमाल वृक्ष श्याम है वैसे आपका स्वरूप भी श्याम, जैसे वो तमाल वृक्ष छांव देता है वैसे ही संसार के तपे हुए जीव को कहीं छांव मिले तो श्री गोसाई जी के चरणों में मिले। कहते हैं कि जैसे उस वृक्ष का आश्रय लेके अनेक लताएं आश्रय पाके बढ़ती हैं, वैसे ही हम जीव भी उन लताओं की तरह हैं कि जब आपका आधार मिले तब प्रभु की ओर बढ़ पावे। कहते हैं जैसे उस तमाल वृक्ष के ऊपर पंछी आके निवास करते हैं, वैसे ही प्रभु हम सभी भक्तों का आश्रय स्थान प्रभु आप हो। और इसीलिए आपको कहा घनश्याम तमाल और कहा जगती तल उद्धार करवा, कहा कि आपका प्रागट्य इस भूतल पे देवी जीवों के उद्धार के लिए हुआ है। और कहते हैं पुष्टि मार्ग में उद्धार यानी क्या? बोले जीव को नित्य व्रज का वास मिले तो मानो उद्धार हो गया, सेवा में आशक्ति हो जाए मानो उद्धार हो गया, अलौकिक सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति मानो उद्धार, और नित्य घर में ठाकुर जी सुख से विराजे तो मानो व्यक्ति घर में रह के भी वजवास का सुख पा रहा है, वही तो उसका उद्धार है। और ये उद्धार का अनुभव कराने के लिए आप भूतल पे पधारे हैं कि प्रगट्या परम दयाल पहली कड़ी के अंदर ये कहा, और फिर
श्री गोसाई जी को गोपाल दास जी बराबर देखने लगे। तब श्री गोसाई जी ने कहा, गोपाल दास जी क्या देख रहे हो? तब श्री गोसाई जी को गोपाल दास जी कहने लगे, कृपानाथ मैं आपको पहचान गया हूं कि आप कौन हो। श्री गोसाई जी ने कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा कि कृपानाथ ये सब यहां बैठे जीव शायद आपको देख रहे हैं, आपके दंडवत कर रहे हैं, आपके पास हैं, लेकिन ये वो देख रहे हैं जो उनको आंखों से दिख रहा है, पर अब मुझे आपकी कृपा से वो दिख रहा है कि जो आप प्रभु हो। श्री गोसाई जी ने कहा कि मैं कौन हूं? तो परिचय देते हुए गोपाल दास जी कह रहे हैं, श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला के अंदर, दूसरी तुक के अंदर यहां गोपाल दास जी श्री गोसाई जी से कह रहे हैं, कृपानाथ यहां विराज रहे जितने भी वैष्णव हैं उनको आपके दर्शन कैसे हो रहे हैं? क्या आप आचार्य देह धारण करके, ब्राह्मण का देह धारण करके आप हमारे सामने विराजमान हो और यही स्वरूप को आप प्रकट कर रहे हो, पर हे कृपानाथ ये दृष्टि आज आपकी कृपा से ये जान गई है कि प्रभु आप कौन हो। ये जीव के ऊपर प्रभु आज आपने जो अहेतु की कृपा करी है, जो अमाप असीम और अकारण कृपा करी है, तो कृपानाथ ये जीव देख पा रहा है कि प्रभु आप कौन हो। श्री गोसाई जी ने कहा, कौन हूं मैं? और तब गोपाल दास जी कह रहे हैं कि श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला द्विज तनु धारी सात दिवस गिरीवर कर धार्यो वासव वृष्टि निवारी। प्रभु जानते हो आप कौन हो, चाहे आप अपने स्वरूप को छुपाओ, पर ये जीव ने आज आपको पहचान लिया। श्री गोसाई जी ने कहा, कौन हो? और गोपाल दास जी कहते हैं, श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा, वो स्वतंत्र क्रीड़ा करने वाले प्रभु वही पुरुषोत्तम आप हो, और लीला द्विज तनु धारी, और ये आचार्य के देह से, ये मनुष्य के देह से आप सामने विराज रहे हो प्रभु, ये तो आपकी लीला है, ये तो आपकी लीला है कि आप जो हो वो स्वरूप को छुपा के आप ये आचार्य स्वरूप को बाहर प्रकट कर रहे हो, लेकिन मैं जान गया हूं कि आप वही हो जिन्होंने 7 दिन तक शिगराज जी को धारण करके और इंद्र के प्रकोप को शांत किया था कि 7 दिवस गिरीवर कर धार्यो वासव वृष्टि निवारी। और प्रसंग में मिलते हैं ना कि जब एक बार श्री गोसाई जी प्रभु चरण सभी वैष्णवों को लेके कहीं परदेश पधार रहे थे, जंगल का रास्ता था और चलते चलते जा रहे थे, वहीं किसी ने आके खबर करी कि कृपानाथ ठाकुर जी के राजभोग का समय होने को है, तो सब सामग्री यही वन में सिद्ध करनी पड़ेगी। खुला मैदान सा था, श्री गोसाई जी ने कहा ठीक है, कनात बांध के यही सामग्री सिद्ध करो और प्रभु को राजभोग अरोगा के फिर अपन आगे जाएंगे। और वहीं राजभोग की सामग्री सिद्ध होने लगी, और जैसे सामग्री सिद्ध होने लगी वहीं आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे, बिजलियां चमकने लगी और बादल गरजने लगे। खवास भागते भागते आए, कहने लगे, कृपानाथ अब तो लग रहा है कि ऐसी मूसलधार बारिश होगी, और ऐसी बारिश हो जाएगी तो खुले में ही ठाकुर जी की सामग्री सिद्ध कैसे होगी, ठाकुर जी को कैसे राजभोग उगाएंगे। और जब आके ऐसे श्री गोसाई जी को कहा, श्री गोसाई जी ने कुछ नहीं किया,
आगे पधारे और आकाश की ओर देख के जैसे इंद्र को याद दिला रहे हो, सिर्फ आकाश की तरफ देख के इतना ही कहा कि भैया संभार के आइयो, हम आने और के हैं। और जहां इतने शब्द कहे मानो इंद्र भी पहचान गया हो, बादल गरजने बंद हो गए, बिजलियां चमकनी बंद हो गई, और जो बादल इकट्ठे हो गए थे वो भी छट गए, और देखते ही देखते धूप आने लगी। और तब गोपाल दास जी कह रहे हैं, कृपानाथ आप वही हो कि जिन्होंने श्री गिरिराज जी को धारण करके 7-7 दिन तक वज की रक्षा करी और इंद्र के प्रकोप से सबको बचाया, आप वही तो हो। और अपन को लगे जब गोपाल दास जी कह रहे हैं तो आपकी वाणी भी अनुभूत वाणी होनी चाहिए, और गोपाल दास जी तो आपके सेवक हैं, शिष्य हैं, और शिष्य गुरु के बारे में कहे तो समझ में भी आवे। लेकिन जब गोपाल दास जी कह रहे हैं कि हे श्री गोसाई जी प्रभु चरण, आप तो पुरुषोत्तम हो, पर जो अन्य जीव हैं कि जिनकी आसक्ति या रुचि आपके स्वरूप में नहीं है, वो कैसे स्वीकार करें? तो अपने वहां कहते हैं ना, जो शास्त्र प्रमाण है वो शास्त्र प्रमाण को माना जाता है। और कहते हैं कि जब भगवत प्रागट्य होने वाला हो तो उनके प्रमाण में से एक प्रमाण ये बताया गया है कि उनके प्रागट्य से पूर्व हजारों वर्षों पहले शास्त्रों में उनके नाम का उल्लेख होना चाहिए, उनके प्रागट्य का निर्देश होना चाहिए। तो अपन को लगे कि श्री गोसाई जी के प्रागट्य के 500 वर्ष हुए, लेकिन उनके प्रागट्य के 503 या 504 वर्ष हुए, और उनसे पहले हजारों वर्ष पहले श्री गोसाई जी के प्रागट्य का उल्लेख कहां पे है? तो देखो अग्नि पुराण के भविष्येतर खंड के अंदर वर्णन आता है कि अग्नि रूपो द्विजाचार्यो भविष्यामिह भूतले वल्लभो अग्नि रूप शाद विठल पुरुषोत्तम। आपके प्रागट्य के 4,500 वर्ष पहले जो पुराण है, उन पुराणों के अग्नि पुराण के अंदर यह निर्देश आया कि आप साक्षात पुरुषोत्तम रूप से हैं। उसी प्रकार सनत कुमार संहिता के अंदर भी आया कि विठ्ठलेशोद्भूतानां तापत्रय विनाशकम्। सनत कुमार संहिता के अंदर भी वर्णन आया, गौरी तंत्र में शिव पार्वती को कहते हैं कि पोष कृष्ण नवाभ्याम च विठ्ठलेशेति संज्ञकः द्विजालये महादेवी काशाम सन्निहते हरि। वहां गौरी तंत्र के अंदर भी शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि पोष की नवमी को चरणात्री पर्वत के वहां साक्षात कृष्ण पुनः विठल रूप से प्रकटेंगे। ये वर्णन भी आपके प्रागट्य के हजारों वर्ष पहले। अग्नि संहिता के अंदर आपके प्रागट्य के हजारों वर्ष पहले वर्णन आया कि भविष्यति महाप्रागोदेव उद्धारणाय च वल्लभस्य गृहे नूनम गिरिराज धरो हरि। कहते हैं कि वर्षों के बाद श्री वल्लभ के वहां साक्षात जिनने गिरिराज को धारण किया वो पुत्र रूप से प्रकटेंगे। ये वर्णन स्वयं और पुराणों के अंदर संहिताओं के अंदर अपन को प्राप्त है कि जो अपन को अनुभव करा रहे हैं कि ये गोपाल दास जी की वाणी प्रमाण भूत वाणी है। उसने कहा कि श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला द्विज तनुधारी और 7 दिवस गिरीवर कर धार्यो वासव वृष्टि निगारी। कहा कि आप तो वही पुरुषोत्तम हो। और श्री चित स्वामी भी कहते ना, चित स्वामी ने कहा कि जय वसुदेव किए पूरण तब सो फल फलित श्री वल्लभ देह। और स्वतंत्र क्रीड़ा करने वाले आप हो, स्वतंत्र क्रीड़ा यानी सर्वतंत्र स्वतंत्र आप हो, आपको कोई कर्म बंधन आड़े आते नहीं है, आप जैसे चाहो उस प्रकार से लीला करने वाले हो। और लीला द्विज, द्विज का अर्थ होता है एक ब्राह्मण भी होता है, और ब्राह्मण का कार्य क्या? बोले दीक्षा देना, शिक्षा देना, ज्ञान देना, वेद का प्रचार करना और यज्ञादि कार्य करना। तो ऐसे द्विज रूप से आप धारण करके विराज रहे हो। द्विज का एक अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा जैसे अंधकार को दूर करे, चंद्रमा जैसे चकोर को आनंद देवे, चंद्रमा जैसे औषधि को जगावे, चंद्रमा जैसे रसिक जनों को आनंद दे और वियोगी जनों को ताप की वृद्धि करे, वैसे ही आप भी अपने जीवों को मायावत का नाश किया, देवी जीवों को आनंद दिया, श्रुति स्मृति रूपी औषधियों को प्रसार किया, और कहते हैं देवी जीवों को संयोग का और विप्रयोग का अनुभव भी श्री गोसाई जी ने करवाया। और इसलिए तो कहते हैं ना कि श्री गोसाई जी और प्रभु में क्या भेद,
ये ही ते ही यही कछु न संदेही। और अपने वहां पद भी आता है ना श्री स्वामी का कि जब नंद महोत्सव हो रहा था उसमें ये बात बड़ा स्पष्ट करके दिखाया है। दो तीन कड़ियों का दर्शन अपन करेंगे कि जब बादशाह को लेके श्री स्वामी आए कहां नंद महोत्सव हो रहा था और जैसे ही पलना के दर्शन खुले क्या देखा कि श्री नवनीत प्रिया जी पलना झूल रहे हैं और श्री गुसाई जी प्रभुचरण सुंदर केसरी वस्त्र धरे हुए हैं, सुंदर श्रृंगार धरे हुए हैं और आप श्री नवनीत प्रिया जी को पलना झुला रहे हैं और क्या दर्शन हुए और जीवों को और क्या दर्शन हुए चित स्वामी को, वर्णन सुने और उसका दर्शन करें। श्री नवनीत प्रिया जी पलना झूल रहे हैं, श्री गुसाई जी की दृष्टि नवनीत प्रिया जी पे और नवनीत प्रिया जी की दृष्टि श्री गुसाई जी के ऊपर और आज श्री नवनीत प्रिया जी को इतना प्रेम आ रहा है और श्री गुसाई जी के हृदय में भी ऐसी प्रीति प्रकट रही है। हैं तो नवनीत प्रिय पर गाया प्रिय नवनीत, बोले क्यों, क्योंकि नवनीत जिसको प्रिय है वो नवनीत प्रिय, पर आज श्री विठल नाथ जी के जो अति प्रिय हुए हैं ऐसे प्रिय नवनीत पालने झूले और विठल नाथ झुलावे हो। अब यहाँ तक के दर्शन तो वहां बैठे हुए सभी को हो रहे हैं लेकिन जिस स्वामी की आशक्ति है कि ये दोनों स्वरूप में कोई भेद नहीं है, ये दोनों स्वरूप एक ही है और जैसे ये दर्शन का भाव ताप आपके मन में जागा श्री नवनीत प्रिया जी जान गए और नवनीत प्रिया जी श्री स्वामी के भाव को दृढ़ करने के लिए अब क्या लीला का दर्शन करा रहे हैं, दर्शन करें। दर्शन कैसे हो ताकि जानूं कि दोनों स्वरूप में कोई भेद नहीं है। नवनीत प्रिया जी ये मनोरथ जान गए, श्री स्वामी के मन में जागा है और नवनीत प्रिया जी ने क्या किया, जैसे अभी श्री गुसाई जी पलना झुला रहे थे वहीं नवनीत प्रिया जी श्री गुसाई जी का हस्त पकड़ा और कहा कृपाना आप मेरे संग आके झूलो। श्री गुसाई जी ने कही कि हम संग कैसे झूलूं, सब यहां है कि मेरा मनोरथ है आप मेरे संग झूलो। और जैसे श्री गुसाई जी अभी तक पलना झुला रहे थे नवनीत प्रिया जी झूल रहे थे लेकिन श्री स्वामी को दर्शन हो रहा है कि गुसाई जी और नवनीत प्रिया जी एक पलने में संग झूल रहे हैं और तब प्रेम की पराकाष्ठा आगे दर्शन क्या हुई कि कबहू का आप संग मिले झूले। और अब तो नवनीत प्रिया जी नीचे उतर के पधारे और पहले श्री गुसाई जी नवनीत प्रिया जी को झुला रहे थे और अब नवनीत प्रिया जी नीचे उतर के पधारे और वो स्वयं श्री गुसाई जी को पलना झुला रहे और क्या दर्शन हुआ, कब हो
पहले तो श्री गोसाई जी झुला रहे हैं, इसलिए दर्शन हुए, लेकिन जिस स्वामी को फिर दर्शन हुए कि श्री गोसाई जी को अपने संग बैठा लिया, संग झूले, और फिर तो ये पराकाष्ठा कि नवनीत प्रिया जी नीचे उतरे, श्री गोसाई जी को झुला रहे हैं। और अब श्री नवनीत प्रिया जी के मन में मनोज जागा है कि श्री गोसाई जी प्रभु रूप तो हैं और एक स्वरूप आपका चंद्रावली जी का भी है, और चंद्रावली जी का स्वरूप श्री गोसाई जी का है, तो आपके मन में मनोज जागा, क्योंकि प्रभु को चंद्रावली जी का नित्य बड़ा प्रिय है, और नित्य बड़ा प्रिय है, तो आपने हट पकड़ी कि अभी इसी समय मुझे आपके नित्य का दर्शन करना है। श्री गोसाई जी समझावे कृपानाथ, ये लीला तो कुंज की है, दर्शन खुले हैं, सभी लोग हैं, तो ये प्रगट लीला कैसे होगी, पर नवनीत प्रिया जी ने हट पकड़ी है कि मुझे तो चंद्रावली जी आपके नित्य का दर्शन करना है, और नित्य का दर्शन करके ही मुझे सुख मिले। श्री गोसाई जी ने कहा, अब आपने हट पकड़ी है तो आपका मनोरथ कैसे पूरे करूं। अभी गोसाई ने क्या किया, हाथ में एक फिरकनी ली और फिरकनी लेके ऐसे घुमाया कि जैसे फिरकनी के दर्शन करें तो चंद्रावली जी जब नृत्य करें और आपके घाघरे का घेर गोल गोल दर्शन हो, वैसे ही जब फिरकनी घूमी तो आपको ऐसा लगा कि चंद्रावली जी नृत्य कर रही हैं और आपके घाघरा का घेर गोल गोल घूम रहा है। लेकिन श्री नवनीत प्रिया जी ने कहा, नित्य तो दर्शन करूं, पर नित्य में आनंद तब आवे कि जब चरणों में धारण करे हुए नूपुर को आवाज भी आवे। जब तक नूपुर को आवाज नहीं आवे, नित्य में आनंद कैसे आवे। और ये मनोरथ जब किया तो श्री गोसाई जी ने क्या कहा कि बिरकनी घुमाई और बिरकनी घुमा के झुनझुन हाथ बजावे चकरी। दर्शन जी स्वामी को हो रहे कि जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण राजभोग का थाल सान रहे हैं, लेकिन नवनीत प्रिया जी ने हट पकड़ी, बोले क्या कि आज मैं भोजन तब करूं कि जब आप भी मेरे संग भोजन करो। श्री गोसाई जी ने कहा, ये कैसे, बोले नहीं मेरी इच्छा है। और श्री तो कहते हैं भोजन कर हारे गावे हो, ये ही ते ही ते ही ये ही कछु ना संदेही। और वही बात गोपाल दास जी ने कही के सात दिवस गिरिवर कर धार्यो वासव वृष्टि निवारी, और सात दिन तक गिरिराज जी को धारण करके वासव वृष्टि निवारी, वो इंद्र का जो वृष्टि हुआ, और कहते हैं उसको ऐसे दूर कर दिया, निवारी यानी मानो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा माहौल आपने प्रकट कर दिया था, वही आप प्रभु हो। ये बात यहाँ पे
गोपाल दास जी ने गोसाई जी को कही और कहा, कृपानाथ आप भूतल में प्रगटे तो हो, आप भूतल में प्रगटे हो, पर आपके प्रागट्य का कारण, आपके प्रागट्य का मूल कारण आपके अलावा और कोई नहीं जानता। जब प्रभु प्रगटते हैं तो लोग अपने मन से कहते हैं कि इस कारण से प्रगटे, इस कारण से प्रगटे, इस कारण से प्रगटे, पर प्रभु आपका जब भूतल में प्रागट्य आज हुआ है, आज हमारे संग आप विराज रहे हो, आप भूतल में प्रगटे हो, तो प्रभु आपका भूतल में प्रागट्य लेने का मूल कारण जो हम नहीं जानते और नहीं जानते, पर आप कृपा करके हमें जताओ। और आपके प्रागट्य का कारण जब हम जानेंगे, ऐसी प्रभु कृपा करके दृष्टि दो। और ये विनती आगे की तूप के अंदर गोपाल दास जी कर रहे हैं और कह रहे हैं, ते प्रगट्या कारण गोपालदास जी ने श्री गोसाई जी से विनती करी है कि ते प्रगट्यानु कारण कहिए जो सूरता मन आणो, के प्रभु मेरे गत जन्मों की स्मृति जो है मेरे अंदर कहीं खो गई है, और अब आपसे विनती मैं करता हूं कि आपके प्रागट्य का जो मूल कारण है, आप भूतल पे ऐसे ही नहीं पधारे हो, कौन से विशिष्ट कार्य के लिए आप भूतल पे पधारे हो कृपानाथ, आज मेरे मन में वो जागने की इच्छा हुई, आज मेरे मन में प्रभु वो जागने की जिज्ञासा व्यक्त हुई है। तो हे प्रभु, आप अपने जीवों को अपने स्वरूप का दान कब करते हो, तो कहा कि करो कृपा हूं करू विनंती पोता नो करी जानो। हे प्रभु, मैं तो यही विनती आपसे करता हूं, क्योंकि मेरी वो स्मृति या मेरी वो योग्यता नहीं है कि आपके प्रागट्य के मूल कारण के दर्शन का मैं वर्णन कर सकूं। मैं तो इतना जानता हूं कि जिनको आप अपना कहते हो, जिनको आप अपना मानते हो, या जिनको आप अपना कर लेते हो, वही जीव प्रभु आपके मूल स्वरूप को पहचान सकते हैं। इसलिए कहा करो कृपा हूं करू विनंती पोता नो करी जानो। बस कृपानाथ में यही विनती करता हूं कि मुझे प्रभु आप अपना मानो, अपना करके मानो। और देखो अपना मानो ये कहना, सर अपना कब माना जाए और अपना कब कहा जाए, जब अपना अधिकार उसके ऊपर आ जावे। हाँ, और जब देखो जब गुरु के शरण में भी जावे और गुरु सिर्फ अच्छी अच्छी बातें अपन को करे, तब मानो ये कहीं शायद व्यवहार निभा रहे हैं। लेकिन जब अपन को कड़वे शब्द भी कहें, जब अपन को टोके भी सही, अपन को रोके भी सही, अपन को डांटे भी सही, तो पूर्व आचार्यों का कहना है तब मानना कि अब अपन को अपना माना है। अपना माना यानी अपने ऊपर अधिकार माना, और अधिकार माना तो कहीं गलती करें तो अपन को रोके भी और टोके भी। और इसलिए तो अपने प्राचीन भगवद ही कहते कि जब मैं गुरु के पास जाऊं और गुरु बहुत सम्मान दे के बुलावे तो मुझे लगे अभी भी पराया जाना है, लेकिन जब मैं गया हूं कहे वहां बैठ जा ये कर दे वो कर दे, मुझे लगे हाँ अब अपना माना, और अपना अधिकार माने तभी तो अपन को कह पावे। और इसलिए देखो यहाँ गोपाल दास जी कह रहे हैं करो कृपा हूं करू विनंती पोतानो करी जानो। और गुरु ने हमें अपना माना तब कहा जाए,
कि जो किसी को ना कहते वो अपन को कह दे। अपन को लगे 10 लोग यहाँ थे, सबको अच्छा बोला, मेरे संग ऐसे बोला, तो मानो के देखो और जगह व्यवहार निभा रहे पर आप पे अधिकार जता रहे। और अधिकार कब जताओ है कि जब अपना माना हो। इसलिए कह दिया करो कृपा हूं करो विनंती पोतानो करी जानो। पोतानो करी जानो यानी ये भी कह दिया कि अपना मानो, और दूसरा ये भी कहा पोतानो करो अने पछी जानो। जब तक अपना नहीं करेंगे तब तक न मैं आपको जान पाऊंगा न आप मुझे जान पाओगे। और इसलिए कहा कि करो कृपा हूं करो विनंती पोतानो करी जानो। और जैसे अर्जुन ने प्रभु से विनती करी थी कि प्रभु आपके वो विराट स्वरूप के दर्शन मुझे करने हैं, लेकिन जब तक प्रभु ने वो दिव्य दृष्टि नहीं दी तब तक अर्जुन के सामने प्रभु विराज रहे थे, वो जान नहीं पाए। लेकिन जैसी विनती अर्जुन ने करी ऐसी ही विनती गोपाल दास जी ने इस स्तूप में श्री गुसाई जी से करी कि आपके प्रागट्य का कारण मैं जानना चाहता हूं, आप क्यों प्रगटे, ये प्रगटने की इच्छा कहां से जगी, तब से मैं जानना चाहता हूं। और जब ये विनती गोपाल दास जी ने करी कि पोतानो करी जानो, और देखो श्री गुसाई जी ने मानो उनको दिव्य दृष्टि दी। और जैसे ही दिव्य दृष्टि मिली और आगे चौथी कड़ी से वो कैसे अक्षर ब्रह्म के अंदर से अक्षर ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं, उसमें से कैसे बड़े बड़े योगी उनका लय उसमें हो रहा है, उसका दर्शन उनको होने लगा विनती करते ही। और आगे चौथी कड़ी के अंदर वो कह रहे हैं व्यापक रूप अद्वैत ब्रह्म को मानो श्री गुसाई जी ने दिव्य दृष्टि दे दी हो और दिव्य दृष्टि का दान किया हो, और उसके अनुरूप सबसे पहले उनको अक्षर ब्रह्म के दर्शन हुए। और जैसे ही अक्षर ब्रह्म के दर्शन हुए, और गोपाल दास जी वर्णन कर रहे हैं कि व्यापक रूप अद्वैत ब्रह्म जे तेजोमय कहवाए। ये अक्षर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, तो अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन गोपाल दास जी कर रहे हैं और कह रहे हैं के व्यापक रूप अद्वैत ब्रह्म जे। ये अक्षर ब्रह्म कैसा है, बोले सर्वव्यापक। ये कैसा है अद्वैत, ये कैसा है स्वयं प्रकाशमान। और कहते हैं जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी हैं, उन सभी की प्राप्ति वो अक्षर ब्रह्म में हो रही है। वो बड़े बड़े ज्ञानियों का लय अक्षर ब्रह्म के अंदर हो रहा है, ऐसे दर्शन गोपाल दास जी को हो रहे हैं। और गोपाल दास जी कह रहे हैं देखो जब तक द्वापर तक तो सभी जीवों का लय ये अक्षर ब्रह्म के अंदर होता था, क्योंकि अभी वल्लभ प्रगटे नहीं है, अभी तक श्री विट्ठल प्रगटे नहीं है। और आगे क्या दर्शन किया देखो, ये एक एक कड़ी ऐसी है कि एक एक कड़ी के अंदर अपन को एक एक दिन भी कम पड़े, पर 5 दिन है और 9 आख्यानों का दर्शन करना है। और इसलिए अपन कहीं कहीं पान भी करेंगे, कहीं आचमन भी करेंगे और कहीं स्नान भी करेंगे, इसी क्रम से अपनी यात्रा आगे बढ़ेगी। तो वही अक्षर ब्रह्म का वर्णन आगे करते हुए वो कह रहे हैं अक्षर आदि अखंड I'm
देखो अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि अक्षर आदि अखंड अनुपम उपमा कहीं न जाए। कहते हैं अक्षर आदि यानी कैसा है, बोले अखंड है, और कहते हैं कि उपमा कहीं ना जाए क्योंकि नैनों का विषय नहीं है, आकार नहीं है। और वर्णन करना हो तो उसका हो सकता है कि जिसके आगे आकार हो, जिसका रूप हो, वर्ण हो, स्वरूप हो, लेकिन यहां तो वर्णन हो नहीं सकता। और इसलिए कह रहे हैं कि अक्षर आदि अखंड अनुपम उपमा कहीं ना जाए, जिसकी उपमा नहीं दे सकते क्योंकि उसका दर्शन हो रहा हो तो उसको किसी की उपमा दे सके। और अस्ति वस्तु सबको मिली बोले निगम नेति नेति गाए, और जब वेद भी उसका वर्णन करने जाएं तो नेति नेति यानी उसका अंत है ही नहीं, अंत है ही नहीं ऐसे वर्णन करे। और देखो गोपाल दास जी को तो अभी उतावल है परब्रह्म का वर्णन करने की, गोपाल दास जी को उतावल है पुष्टि पुरुषोत्तम का वर्णन करने की, इसने संक्षिप्त में ये बात कह दी। और आगे छठे और सातवें ये दोनों कड़ियों के अंदर वो पुष्टि पुरुषोत्तम के वर्णन की शुरुआत आगे करने जा रहे हैं और कह रहे हैं निर्गुण नो निर अंदर निर्गुण ब्रह्म का वर्णन किया, लेकिन वर्णन करें कैसे, या तो रूप हो या वर्ण हो या वपु हो तो वर्णन कर सके। अंधेरे में जाके आपको कोई ले जाए और कहे कि अब थोड़ा कोई वर्णन करो तो वर्णन क्या करोगे। और इसलिए यहां कह दिया कि निर्गुण नो निर्देश अटपटो, यदि जिसके कोई आकार ही नहीं है उसका वर्णन करने की जवाबदारी अपन को दी जाए तो न तो उसके गुणगान में रुचि आएगी, न ही उसका गुणगान अपन कर ही पाएंगे। और इसलिए गोपाल दास जी कह रहे हैं कि निर्गुण नो निर्देश अटपटो, निर्गुण है जिसके आकार नहीं है तो उसका वर्णन करना भी हमारे लिए अटपटी बात हो जाएगी। बोले क्यों, क्योंकि रूप वर्ण वपु दृष्ट पदार्थ त्या एको नव लइए। अब देखो जब वर्णन किसी का करना हो तो वर्णन कब हो सके, या तो सामने रूप हो या वर्ण हो या वपु हो या कोई दृष्ट पदार्थ हो तो उसका वर्णन कर पावे, लेकिन जो निराकार है उसमें न रूप न वर्ण न ही वपु न कोई दृष्ट पदार्थ, तो वर्णन करे तो किसका करे। यूं कह दिया, फिर कहा कि इससे मेरे जो पुष्टि पुरुषोत्तम है उनका स्वरूप बहुत अलग है। बोले क्यों, इसलिए वो बताने कह दिया कि तेह थकी पुरुषोत्तम अड़गा, उससे हमारे जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है यानी वहां रूप भी है, वहां वर्ण भी है, वहां वपु भी है और वहां दृष्ट पदार्थ भी है। जब प्रभु के दर्शन करे तो प्रभु के दर्शन करके आपके स्वरूप का दर्शन करा तो प्रहसितम प्रिय, गोपिका कह रही है ना कि प्रभु आपके स्वरूप का दर्शन करें तो आपके स्वरूप का दर्शन करने के बाद इन नैनों को कुछ भाता ही नहीं है, ऐसा स्वरूप प्रभु आपका। वर्ण कैसा आपका, भीष्म जी ने भी कहा त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम अशब्दाया, त्रिनो भुवनों में प्रभु आप कमनीय तमाल के स्वरूप जैसा आपका स्वरूप। जब वपु की बात आई तो बरहा पीडम नटवर वपु शब्द आया। यहां कहते हैं ना कि रूप भी है वर्ण भी है वपु भी है और प्रभु जो लीला कर रहे हैं दृष्ट पदार्थ भी है,
तुम्हारे पुष्टि पुरुषोत्तम के स्वरूप का वर्णन करना बड़ा सरल है, क्योंकि इन आंखों को जो रूप चाहिए वो सामने है, जिन आंखों को जो स्वरूप चाहिए वो वर्ण वपु सब कुछ है, ऐसा सब कुछ है कि जो हमारे मन को खींचने में समर्थवान है, और हम तो अपने मन को लगा नहीं सकते, इसलिए प्रभु ऐसा स्वरूप लेके आते हैं कि जो हमारे मन को ही खींच लेते हैं। और इसलिए कहा कि तेह थकी पुरुषोत्तम अड़गा लीला अचल विहार, अने ब्रह्म ज्ञानी ने मुक्ति मार्गी स्वप्ने नहीं व्यवहार। कहते हैं ना कि जो ब्रह्म ज्ञानी है और मुक्ति मार्गी है, उनको तो ये पुष्टि पुरुषोत्तम के स्वरूप की झलक ही नहीं मिलती। जो अपने आप को ब्रह्म मान के बैठा, अहम ब्रह्मास्मि जहां आ जाए, वो प्रभु के स्वरूप का आनंद कैसे ले पावे। कहते हैं ना कि जो अपना कल्याण चाहता हो, अपने आप को मोक्ष पाना चाहता हो, वो प्रभु के स्वरूप को कैसे पा पावे, प्रभु के पास कैसे जा पावे। वो तो बंधन है, जो प्रभु के प्रेम से बंधन से बंधना है। तो पूछा कि यदि ऐसे प्रभु पुष्टि पुरुषोत्तम हैं, तो ऐसे प्रभु रहते कहाँ हैं? और अब जैसे जैसे मन में मनोरथ जागे, और श्री गोसाई जी उन्हें वो लीला का दर्शन करा रहे हैं, जहां गोसाई जी ने अपना माना, पहले अक्षर ब्रह्म का दर्शन कराया, कैसे ज्ञानियों का लय उसमें होता है वो दर्शन कराया, कैसे पुष्टि पुरुषोत्तम का स्वरूप कैसा है वो दर्शन कराया, और अब मन में कामना जागी कि ऐसे पुष्टि पुरुषोत्तम जब लीला करते हैं तो कहां करते हैं। और अब श्री गोसाई जी ने ऐसी कृपा करी कि अब उन्हें गोलोक धाम का दर्शन हो रहा है, और आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो ये तुक है उसके अंदर वर्णन गोलोक धाम का है। तो गोलोक धाम के वर्णन का दर्शन करें, और श्री गोसाई जी की आड़ी से और गोपाल दास जी की कानी से आओ अपन भी गोलोक धाम में चल के वहां क्या हो रहा है उसका दर्शन करें। क्या क्या है दर्शन करें, तीन तीन घड़ियों के अंदर, दो दो घड़ियों। जा श्री वृंदावन दर्शन हुए। गोपाल दास जी ने क्या देखा कि उस गोलोक धाम के अंदर एक दिव्य वृंदावन धाम भी है। और देखो अपने वहां कहते हैं गोलोक धाम के भी तीन स्वरूप श्री महाप्रभु जी बताते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। और ये गोलोक धाम भी कैसे हैं, तो कहते हैं वैकुंठ जो है ना वो कैसे प्रकार के हैं, एक है वैकुंठ, एक है रमा वैकुंठ और एक है व्यापी वैकुंठ। तीनों में क्या भेद, तो कहते हैं वैकुंठ के अंदर अकेले नारायण विराज रहे, रमा वैकुंठ के अंदर ठाकुर जी शेष सैया पे पौड़े हैं और लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा कर रही है, उसको कहते हैं रमा वैकुंठ। लेकिन जो व्यापी वैकुंठ है वो कौन है, वो क्या है, वो कैसा है, जिसमें एक प्रभु विराज रहे हैं और हजारों हजारों लक्ष्मी जियां आपकी चरणों की सेवा कर रही है। लक्ष्मी सहस्र लीला भी, सहस्त्र नहीं, सहस्त्र कहो यानी हजार, सहस्र यानी हजारों लक्ष्मी जिया जिनकी सेवा कर रही हैं, उनको कहते हैं व्यापी वैकुंठ, और वो व्यापी वैकुंठ यानी गोलोक धाम। और उस गोलोक धाम के अंदर एक दिव्य वृंदावन धाम भी है, और वो वृंदावन कैसा है उसका दर्शन गोपाल दास जी खड़े होके कर रहे हैं, मानो उनकी गति वहां पहुंच गई। और क्या देख रहे हैं, जहां श्री वृंदावन आदि अचल शशि, वो वृंदावन के अंदर एक ऐसा चंद्रमा है कि जो अचल है, जो कभी डूबता नहीं है, जो कभी उगता नहीं, सदा अचल रहता है, ऐसा चंद्रमा है। और कहते हैं शरद रेणु बहुवेश,
और कहते हैं वो ऐसा वृंदावन है जहां शरद ऋतु सदा बनी हुई रहती है, सदा शरद ऋतु, और वही शरद का चंद्र उगा हुआ रहता है। और क्या दर्शन हुए, वन देवी पद कुमकुम मुख सुख पर से रंग विशेष। और अचानक गोपाल दास जी की दृष्टि पड़ी और क्या देखा कि वहां वन में रहने वाली जो भीलनिया है, जो कुमुदनिया है, वो भागती भागती आई और वहां के घास में जो कुछ लगा था लेके मुख में पधराने लगी। और जहां मुख में पधराने लगी, गोपाल दास जी के मन में आया कि वन देवी पद कुमकुम मुख सुख परसे रंग अनेक, ये कुछ लेके मुख में पधरा रही, ये क्या है। मन में जिज्ञासा जगी, श्री गोसाई जी की ओर देखा, उनका स्मरण किया और श्री गोसाई जी ने अंतरंग लीला का दर्शन कराया कि वहीं श्री गिरिराज जी विराज रहे हैं और गिरिराज जी की कंदरा के अंदर आज जब स्वामी जी प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रभु को पधारने में देर हो गई, स्वामी जी मान करने लगे और तब प्रभु ने कहा क्या करूं तो आप मानोगे। तब स्वामी जी ने कहा, कृपानाथ आज आपके चरणारविंद मेरे मस्तक और मेरे हृदय में पधरा। और जब प्रभु ने अपने चरणारविंद स्वामी जी के मस्तक और हृदय में पधराए तो स्वामी जी के मस्तक का कुमकुम केसर कस्तूरी और आपके हृदय का चंदन इत्यादि प्रभु के चरणों में लगा और वही चरणों से चल के जब उसी घास में होते हुए प्रभु पधारे तो प्रभु के चरणों का और राधा जी के हृदय और मस्तक का कुमकुम केसर कस्तूरी वहां की हरी हरी घास के अंदर लगा। और जैसे ही उन वन देवियों ने देखा कि प्रभु अभी यहां से पधारे, भागती भागती आई और ठाकुर जी के चरणों का और राधा जी के हृदय और मस्तक का वो कुमकुम केसर कस्तूरी वहां की हरी हरी घास में जब उन्होंने देखा, वो लेके आपने अपने मुख में और मस्तक में पधराया तो स्वामी जी के हृदय और मस्तक से संबंधित और प्रभु के चरणों के संबंधित वो कुमकुम केसर को जैसे ग्रहण किया तो प्रभु ने उन्हें भी गोपी जनों जैसा अधिकार और सुख दिया। दर्शन गोपाल दास जी ने यहां आज करे और कहते हैं जैसे ही दृष्टि इस तरफ घूमी गोलोक धाम में, ये पूरा वर्णन गोलोक धाम का है, और जैसे इस तरफ दृष्टि फेरी तो क्या दर्शन हुआ, तो वर्णन करते हुए गोपाल दास जी कह रहे यहां कौन विराज रहे हैं, तो कहा जा सरिता चा गोलोक धाम के अंदर स्थित है, गोपाल दास जी ने दर्शन करे और जैसे ही इस तरफ दृष्टि पड़ी तो क्या देखा, जा सरिता चामी कर मणिगण उभय बद्ध सोपान। दर्शन किनका हुआ, ये वर्णन किसका है, बोले गोलोक धाम में स्थित श्री यमुना जी का। और जा सरिता यानी श्री यमुना जी, चामी कर मणिगण, और चामी कर यानी ऐसे श्री यमुना जी बह रहे हैं कि जिनके पास जो दो घाट है ना, वो घाट किससे बने हैं, चामी कर यानी पारस मणि से, पारस मणि पूरे घाट का निर्माण जिससे हुआ है। और कहते हैं अलग अलग मणियों से जड़ित जिसकी सीढ़ियां हैं और दोनों तरफ अलग अलग सुंदर कीमती मणियों से जड़े हुए घाट और रत्नों से जड़ी हुई सीढ़ियां गोलोक धाम के अंदर। और जब श्री यमुना जी बह रहे हैं तो यमुना जी के अंदर आज गोपाल दास जी ने क्या दर्शन किए, जा सरिता चामी कर मणिगण उभय बद्ध सोपान, दोनों तरफ ये मणि जड़े हुए हैं और कमल कुमुद नाना अति सुंदर मधुर करे त्यागान,
कहा कि यमुना जी के जल में कुमुदनिया सफेद सफेद पोइनी होती है ना, गुजराती में पोइनी कहते हैं वॉटर लिली, के सफेद सफेद कुमुदनी भी है और लाल लाल रंग के कमल भी है। कमल कुमुद दोनों शब्द का उपयोग किया, कमल भी है लाल रंग के और सफेद रंग की कुमुदनिया भी हैं। लेकिन पहली शर्त तो ये हो जावे कि बहते जल में कभी भी कमल उगते नहीं है, पर गोपाल दास जी को दर्शन हुए। स्थिर जल हो कीचड़ हो तो उसमें उगेंगे, लेकिन यहां गोपाल दास जी को दर्शन हुए कि लाल कमल भी हैं और सफेद कुमुदनिया भी हैं। तो यमुना जी के अंदर ये कमल का होना और कुमुदनी का होना क्या है। और श्री गोसाई जी भी श्री यमुना अष्टपदी के अंदर वर्णन करते हैं कि यमुना जी के अंदर कहते हैं कि जब रात्रि होती है तो हजारों सफेद सफेद कुमुदनियां खिल जाती हैं और जब दिन होता है तो हजारों लाल लाल कमल खिल जाते हैं। तो श्री गोसाई जी ने कहा ये कुमुदनियों का खिलना, कमल का खिलना क्या है। तो कहते हैं ये यमुना जी का तट वो तट है जहां प्रभु रात्रि के समय नित्य पधार के रास करते हैं, और नित्य जब प्रभु रास करते हैं तो यमुना जी को लगे कि प्रभु के रास के दर्शन के लिए ये दो नेत्र पर्याप्त नहीं है, हे प्रभु कृपा करो कि हजारों नेत्र मेरे हो जाएं और उनसे मैं आपके दर्शन करूं। उसी समय यमुना जी में हजारों सफेद कुमुदनियां खिल जाती हैं और गोसाई जी कहते हैं कि आज यमुना जी में जो हजारों सफेद कुमुदनियां दिख रही है वो क्या है। बोले ठाकुर जी के रास के दर्शन करने के लिए यमुना जी ने धारण करे हुए हजारों नेत्र हैं, और वो हजारों नेत्र धारण करके प्रभु के रास के दर्शन करते हैं। और कहते हैं कमल के जब दिन होता है तब यमुना जी में लाल लाल कमल खिलते हैं। बोले इसका क्या भाव, रात को सफेद कुमुदनी आती दिन में लाल लाल कमल क्यों खिलते हैं। तो श्री गोसाई जी कहते हैं जब पूरी रात्रि ठाकुर जी ने यमुना जी के तट पे रास किया और यमुना जी ने पूरी रात्रि अस्खलित नेत्रों से श्री ठाकुर जी के रास के दर्शन करे, अब बताओ जब पूरी रात्रि कोई व्यक्ति जगा हो तो दिन में उसके नेत्र कैसे लगते हैं। बोले लाल अरुण, और कहते हैं दिन में जो लाल लाल कमल खिलते हैं वो और कुछ नहीं, पूरी रात्रि प्रभु के रास के दर्शन करे तो वही यमुना जी के अरुण हुए नेत्र लाल लाल कमल के रूप से खिल रहे हैं। और वही दर्शन गोपाल दास जी कर रहे हैं कि कमल कुमुद नाना अली सुंदर, और उसी समय हजारों भ्रमरों के झुंड सुंदर गुंजारों करते करते वहां आ गए। और गोपाल दास जी कहते हैं ये तो भ्रमर, भ्रमर यानी रसिक भक्त हैं जो श्री यमुना जी के तट पे गुप्त रूप से पधार के ठाकुर जी की अस्खलित लीलाओं के, ठाकुर जी की अखंड लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं। ये भाव आपने देखा और उसी समय आपकी दृष्टि पास में पड़ी, तो अब दृष्टि किसके ऊपर पड़ रही है। तो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कनक लता मालती मल्लिका विविध कुसुम मकरंद शीतल पवन जकोरे लहरे पर से अति आनंद दर्शन किया क्या, कनक लता मालती मल्लिका विविध कुसुम मकरंद। देखो तो सही आसपास की वनस्पति जो श्री यमुना जी के तट पे उगी हुई है उसका दर्शन भी गोपाल दास जी को हो रहा है। और कहते हैं देखो तो सही ये कनक लता सोने की बेल आपने दर्शन करी और क्या देखा, मालती मल्लिका विविध कुसुम मकरंद, और ये पुष्प अभी अभी ऐसे खिले हैं मानो अभी ही प्रभु ने उनको हाथों से छुआ हो। ये लताएं ऐसी खिली हुई हैं मानो अभी अभी ही ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श उनको मिला हो, ऐसी ताजगी उनमें लग रही है। और शीतल पवन झकोरे लहरे परसे अति आनंद, और कहते हैं जैसे ही शीतल पवन आता है और वृक्ष पे लिपटी हुई लता एक क्षण के लिए दूर हो जाती है और वापस आके उसी वृक्ष से लिपट जाती है और ये अनुभव कराती है कि ये वृक्ष के अंदर हरेक वृक्ष रूप से भी
मानो प्रभु विराज रहे हैं और लता रूप से प्रभु के जीव हैं, जो एक क्षण भी प्रभु से अलग होना नहीं चाहते, एक क्षण भी प्रभु की दूरी जो सहन नहीं कर सकते, वो बात आपने कही। और आगे 11वीं और 12वीं तुक के अंदर अब गोपाल दास जी क्या दर्शन कर रहे हैं वो अपन को दर्शन कराते हैं, ये गोलोक धाम का अपने नेत्रों से। गोपालदास जी ने दृष्टि करी, क्या दर्शन हुए, तो कहते हैं पद्मराग मरकत मणि स्फटिक श्री गोवर्धन सोहे। श्री गिरिराज बाबा के दर्शन करे और गोलोक धाम में श्री गिरिराज बाबा का स्वरूप कैसा है, बोले पद्मराग मरकत मणि स्फटिक, अलग अलग सुंदर रत्नों से, हीरे माणिक पन्ने एवं स्फटिक मणि से आपका पूरा स्वरूप दैदीप्यमान हो रहा है। और विचार करो आपके एक एक शिला के अंदर हजारों ऐसे रत्न स्फटिक और मणियां हो, आपका प्रकाश कैसा प्रकट रहा होगा। और उसी प्रकाश में तो ठाकुर जी वहां आके लीला कर रहे हैं, मानो गोलोक धाम का कोई सूर्य हो ना तो श्री गिरिराज बाबा है जो आपके स्वरूप के अंदर, क्योंकि वहां गोलोक धाम में प्रकाश किससे होता है, श्री गिरिराज बाबा के स्फटिकमय इस रत्नमय स्वरूप से और यमुना जी के रत्नमय घाट से। और इसलिए प्रभु लीला कहां करते हैं, या तो श्री गोवर्धन की तरेटी या यमुना जी का तट, क्योंकि यहां वो मणियों का प्रकाश है गोलोक धाम में कि जहां आके आप लीला करते हैं। और श्री गिरिराज जी कैसे, पद्मराग मरकत मणि स्फटिक श्री गोवर्धन सोहे, ब्रह्म रुद्र त्या कौन बापड़ा श्री हरि नाम मन मोहे। और कहते हैं कि ऐसे श्री गिरिराज बाबा गोलोक धाम में विराजते हैं कि जिन्होंने और तो क्या स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम का श्री हरि का मन मोह लिया है, और जिन्होंने प्रभु का मन मोह लिया है तो फिर और देवों की तो बात ही कहां रही, क्योंकि श्री गिरिराज जी कौन है, वो तो स्वामी जी के मन में जागा मनोरथ है। और जो स्वामी जी का मनोरथ हो तो फिर प्रभु के लिए उसका मोल तो क्या हो जावे। और ऐसे श्री गिरिराज बाबा वहां विराज रहे, दर्शन हुआ और पास में क्या देखा, नाना पक्षीनी शब्द माधुरी शोभा तनो नहीं पार, विविध प्रकारे जूझवा कहता ग्रंथ थाए विस्तार। देखो कितना सुंदर वर्णन किया, और कह रहे हैं कि देखो कि वहां नाना पक्षिणी शब्द माधुरी, गोलोक धाम के अंदर वो कभी वृक्षों में से कभी गिरिराज जी के ऊपर से अलग अलग पक्षियां सुंदर गान कर रहे हैं, और अपन को लगे सुंदर गान कर रहे हैं तो पक्षियों का तो कलरव होता है, पक्षियों की तो बात को कलरव कहा जाता है, लेकिन यहां क्या कहा, नाना पक्षिणी शब्द माधुरी, यहाँ शब्द शब्द का उपयोग है, यानी यहाँ पे जो पक्षी बोलते हैं सुनाई देता है पर समझ में नहीं आता, पर गोलोक धाम के अंदर जितने भी पक्षियां हैं वो भी प्रभु की लीला के दर्शन करके उनका गान करते हैं, और वो शब्द इतने स्पष्ट हैं कि गोपाल दास जी को समझ में भी आ रहे हैं। और इसीलिए यहाँ कहा नाना पक्षिनी शब्द माधुरी, और शब्द यानी वो जो स्पष्ट है, शब्द यानी वो जो सुनाई भी दे रहा है, शब्द यानी वो जो समझ में भी आ रहा है। और जितने भी पक्षी विराजमान हैं वो प्रभु की लीला के दर्शन करके अपने अपने अनुभव गोपाल दास जी को कहने लगे,
श्री गोसाई जी ने ऐसी कृपा करी, गोलोक धाम में उनको अनुभव करा दिया। और गोलोक धाम के अंदर नैनों से तो दर्शन हुए, पर जितने भी पक्षी हैं वो पक्षियां भी अपनी अपनी अनुभूति, अपनी अनुभूति कि ये तो इतने पक्षी हैं, और हरेक के पास प्रभु की अलग लीला की अनुभूति, हरेक पक्षी के पास अपनी कहने की कुछ और अनुभूति है। गोपाल दास जी ने कहा, मुझे देख के एक संग ये पक्षियां गान करने लगे, जो हरेक के मन की बात मैं यहां आलेखन करूंगा। तो विविध प्रकारे जूझवा कहता ग्रंथ था ए विस्तार, जो हरेक पक्षियों की बात सुन के उन्होंने भी जो प्रभु की लीला का अनुभव आज किया, मुझे देख के इतने आतुर हो गए, वो मुझे भी अपना वर्णन करने लगे। गोपाल दास जी ने कहा, ये सभी की बातें सुन के, सभी के अनुभव सुन के उसका आलेखन करूंगा, तो ये ग्रंथ का बहुत विस्तार हो जाएगा। ये बहाना निकाला ग्रंथ का विस्तार, पर वो ऐसी लीला थी जिसके ऊपर अधिकार हरेक जीव का नहीं है, इसलिए ये बात कह के वो लीला को आपने गुप्त कर दिया, और ग्रंथ विस्तार का भय दिखा के वो बात को यहाँ आधी रख दिया। और आगे वर्णन कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की सृष्टियां भी हुई, अलग अलग प्रकार के सृष्टियों का सर्जन भी हुआ, लेकिन आज शरद ऋतु है, आज शरद पूर्णिमा है, वृंदावन जो गोलोक धाम में स्थित है उसका वर्णन भी आ रहा है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि एक रास की लाइन और फिर एक रास की पंक्ति का आनंद भी अपन लेंगे, और जैसे गत कथा में लिया था तो 5 मिनट आज भी ये रास का आनंद अपन लेंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा का दिन गोलोक धाम में स्थित वृंदावन धाम की कथा, और जहां वृंदावन का वर्णन गोलोक धाम में हो, कि जहां सदा प्रभु नित्य करते हैं, तो उस स्थान पे अपन आए हैं, तो 2 घड़ी आज इसका आनंद भी अपन लेंगे। रास विलास गहे कर पल भी अपने घर में हो 5 मिनट के लिए, आज शरद पूर्णिमा है तो उसका आनंद अपन सब यहां लेंगे, क्योंकि वृंदावन का वर्णन, तो जो लीला का वर्णन होता है मानो अपन उसी स्थान में हैं, और गोपाल दास जी की आड़ी से अपन भी वर्णन सुनते सुनते उसका अनुभव करेंगे। मरु वन रावण छे रुड़ के वही कूठ रे आओ है, मरु वन रावण छे
समय कुछ महीने पहले ही बहुजी यशस्वी बहुजी के द्वारा जो पुस्तक विवेक धैर्य आश्रय के ऊपर रिडिफाइनिंग लाइफ हाउस कॉन्शियसनेस ये ई बुक के रूप से आई थी, पर सबकी इच्छा थी कि पुस्तक के रूप से भी हम सबको प्राप्त हो कि हम उसका दर्शन उसका वांचन कर सकें। पूज्य पितृचरण के द्वारा ही उसका विमोचन भी हो चुका है, तो यही पुस्तक आज पुनः एक नॉर्मल पुस्तक के रूप से आज सभी के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं और हर एक शहर में जो अपने प्रतिनिधि हैं उन तक ये पुस्तक पहुंचा दी जाएगी। बहुत शीघ्र ही सभी उनके नंबर कांटेक्ट दिए जाएंगे आपको, ताकि आप अपने शहर के जो स्थानिक प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ये पुस्तक प्राप्त कर सकें। तो अब मनोरथी परिवार जो अपने अरोड़ा परिवार और कुमार परिवार हैं उनके द्वारा आरती होगी। वर की जलाए पुष्टि मार्ग के ज्योत जलाए
वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री यदुनाथ लाल प्यारे की जय।